नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली बहुत दिन के बाद देवघर एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले कई बार बताया लेकिन बार बार वह डेट फेल हो रहा था, लेकिन दोस्तों आज ये जो डेट है वो बिल्कुल फेल होने वाला नहीं है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि देवघर एयरपोर्ट से 17 फरवरी को रांची के लिए इंडिगो कंपनी फ्लाइट सेवा शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज से उसका टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ और वेबसाइट में जाकर आप भी चेक कर सकते हैं, देवघर एयरपोर्ट से तीसरा फ्लाइट जो है रांची के लिए शुरू हो रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको टाइम टेबल, कितना टिकट प्राइस लगेगा, वह सारा जानकारी मैंने डिटेल से दिया है। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं देवघर एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए फ्लाइट जो है वह 17 फरवरी से शुरू हो रही है और इसका टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुका है। दिल्ली व कोलकाता के बाद देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए तीसरे फ्लाइट के रूप में फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। DGCA की ओर से अनुमति मिलने के बाद रिलायंस कंपनी इंडिगो ने देवघर से रांची के लिए हवाई सेवा शेड्यूल जारी कर दिया है। इंडिगो के शेड्यूल के अनुसार 17 फरवरी को रांची से देवघर प्रतिदिन फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। 70 सीट वाली यह फ्लाइट रांची एयरपोर्ट से दोपहर के 3:20 में उड़ान भरेगी और देवघर एयरपोर्ट 4:15 में लैंड करेगी। वही बात करते हैं वापसी का। तो दोस्तों देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट 4:45 में उड़ान भरेगी और 5:45 में रांची एयरपोर्ट लैंड करेगी। भारत सरकार के उड़ान प्रोजेक्ट के तहत रांची से देवघर का जो किराया है 2,050 रुपये रखा गया है। अब यात्री रांची से देवघर महज 1 घंटा में अपना सफ़र पूरा कर पाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही आज से टिकट बुकिंग शुरू हुआ देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए, तो टिकट का जो बुकिंग है काफ़ी तेज़ी गति से हो रही है। एक दिन में ही 70% टिकट बुक हो चुका है, क्योंकि दोस्तों 2,000 रुपये देकर हर लोग चाहेगा कि हम भी एक बार फ्लाइट सफ़र ज़रूर कर लें। कई लोग घूमने के मकसद से जा रहे हैं, तो कई सारे लोग पहली फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भर रही है उसके लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है और 17 फरवरी को हो सके देवघर एयरपोर्ट में इस बार मैं भी जाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं, नहीं होगा तो हम भी एक बार फ्लाइट सफ़र कर देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कभी फ़्लाइट सफ़र नहीं किया है और काफ़ी कम किराया लग रहा है, 2,000-2,050 रुपये किराया लग रहा है। इसमें होगा क्या कि एक फ़्लाइट सफ़र भी हो जाएगा, प्लस में आप सबके लिए हम एक अच्छा अपडेट भी दे पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वह सारा चीज़ आप लोगों को जानकारी मिलेगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 17 फरवरी से देवघर एयरपोर्ट से तीसरे फ्लाइट के रूप में इंडिगो कंपनी देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए फ़्लाइट सेवा शुरू कर रही है, जहां पर दोस्तों आज से टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है। और दोस्तों टाइम टेबल को मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि रांची एयरपोर्ट से दोपहर के 3:20 में वहाँ से टेकअप करेगी और देवघर एयरपोर्ट 4:15 में पहुंच जाएगी। वही दोस्तों देवघर एयरपोर्ट से बात करें तो देवघर एयरपोर्ट से दोस्तों 4:45 में फ्लाइट टेकअप करेगी और रांची एयरपोर्ट 5:45 में पहुंच जाएगी। टिकट का बात करें तो दोस्तों देवघर एयरपोर्ट से रांची का जो फ़्लाइट जो किराया जो भी तय किया गया है वो 2,050 रुपये किया गया है। और दोस्तों और आज से ये बुकिंग शुरू हुआ है, जहाँ पर दोस्तों तेज़ी गति से हर लोग टिकट बुक कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहुत कम ही टिकट प्राइस रखा गया है। तो अभी 70% टिकट बुक भी हो गया है, सोचिए आज ही बुकिंग शुरू हुआ और आज से 70% टिकट बुक भी हो चुका है। बाकी दोस्तों ये जो फ्लाइट सेवा है वो प्रतिदिन सेवा शुरू कर रही है इंडिगो कंपनी, यानी कि देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए 1 घंटा का यह सफ़र होगा और प्रत्येक दिन देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए यह फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो प्लीज़ बिल्कुल लाइक कीजिएगा और कॉमेंट एक जरूर कर दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ताकि आप सबको इसी प्रकार देवघर एयरपोर्ट से रिलेटेड हमेशा अपडेट मिलता रहे। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हमेशा देवघर एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।